मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, और क्या? ठीक है, अलग इसके इससे और नहीं रोने की जरूरत है मेरी माँ। मैं आज उत्तराखंड की जमीन पे आया हूँ, अल्लाह भी जाना। उत्तराखंड में हल्द्वानी हिंसा के बाद सलमान खान सुर्खियों में है। सलमान खान हल्द्वानी में घूम घूम कर एक खास समुदाय के लोगों को नोटों की गड्डियां बांटता फिर रहा है। सलमान खान झोले में पैसा भरकर हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में नोटों की गड्डियां क्यों बांट रहा है ये किसी को भी नहीं पता। सलमान इतने रुपए लेकर हल्द्वानी क्यों पहुंचा ये भी पहेली बनी हुई है। सलमान खान के बारे में पुलिस को तब पता चला जब नोटों की गड्डियां बांटते सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि सलमान खान का बनभूलपुरा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अल्लाह की तरफ से है वो। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में उस समय हलचल मच गई जब इस्लामी संस्था से जुड़ा एक शख्स मुस्लिम परिवारों को रुपए बांटते हुए नजर आ रहा है। इसके विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। खास बात यह है कि वीडियो में रुपए बांटते जिन परिवारों को दिखाया गया है उनके घर से किसी न किसी को पुलिस ने दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को पैसा बांटने का मामला संज्ञान में आता। इसमें जांच करने पर और पूछताछ करने पर पता लगा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, उनके कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पैसा बांटा है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नोटों की गड्डियां बांटने वाला सलमान खान हैदराबाद की संस्था यूथ करेज से जुड़ा हुआ है। सलमान ने अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है और उसके लाखों फॉलोअर्स भी है। फेसबुक पेज ये बताता है कि सलमान चंदे से पैसा इकट्ठा कर लोगों की मदद करता है। सलमान के सोशल मीडिया पोस्ट की बारीकी से जांच में ये पता चला कि सलमान का संगठन है कट्टरपंथी और वह इसका मुखिया भी है। पुलिस की जांच और सलमान के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि सलमान खान दंगे के बाद 10 फरवरी 2024 को हल्द्वानी पहुंचा था। हल्द्वानी पहुंचने के बाद से ही उसके लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रही है जिनमें वह लोगों को रुपयों की गड्डियां बांटते हुए दिख रहा है। आपका क्या है? इनके पापा के ना जो पैर भी टूट गया है, इनको भी दे दो। सोशल मीडिया में साझा किए गए वीडियो में सलमान खान एक बच्चे के साथ पैसे से भरे हुए बैग के साथ दिखता है। वीडियो में सलमान खान एक युवक से मिलता दिख रहा है जो बताता है कि उसके छोटे भाई को पुलिस ने हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस युवक को सलमान खान बच्चे के हाथों नोटों की गड्डियां दिलवाता है। इसके बाद वहां कई महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, जो बताती हैं कि उनका नुकसान हुआ है, उनको भी पैसे दिए जाते हैं। वहीं सलमान खान ये कहता है कि ये पैसे अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से, इसके अल्लाह की तरफ से है, ठीक है ना। सलमान खान नाम के शख्स को सोशल मीडिया पर और खंगालने पर ऐसी बातें पता चली जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैदराबाद से आया सलमान खान एक वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हल्द्वानी में प्रशासन के द्वारा मुस्लिमों को ही टारगेट किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस मस्जिद और मदरसे को गिराने पर हिंसा भड़की वह पूर्ण रूप से अवैध था। मस्जिद गिराने के लिए प्रशासन के पास न्यायालय की अनुमति भी थी। सलमान खान प्रशासन की उस कार्यवाही को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में हल्द्वानी हिंसा को मस्जिद पर सरकार के एक्शन का रिएक्शन बता रहा था। आपको बता दें कि हल्द्वानी दंगे से संबंधित इसकी आपत्तिजनक पोस्ट पहले भी सामने आती रही हैं। हाल ही के एक वीडियो में वह जहरीले भाषण देने वाले मौलाना अजहरी का समर्थन करता दिख रहा है। सलमान बकायदा उस जहरीले बयान को दोहराते हुए भी दिख रहा है। इन सब के बीच हल्द्वानी पहुंचा यह युवक सोशल मीडिया पर अब ये दावा कर रहा है कि वह लोगों की मदद के लिए हल्द्वानी आया है। हर मुस्लिमों की हम खिदमत करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, तो हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। और पहली चीज जो शर फैलाने की जो कोशिश करता है, मैं उनसे मैं
जो है ना, जो अमन परस्त इंसान है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे शर परस्त इंसानों से आप लोग दूरी अख्तियार कर लीजिए। चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप ये रकम उनको दे देना, ठीक है ना? ये बोलना कि कोई अल्लाह का बंदा आया। सलमान की कुंडली खंगाल रही हल्द्वानी पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि सलमान पर हैदराबाद में लोगों की मदद के नाम पर पैसों की उगाही और धोखाधड़ी के भी आरोप लगे हैं। हैदराबाद साइबर पुलिस की पोस्ट में कहा गया था कि हैदराबाद के हुमायूं नगर में रहने वाला सलमान खान बीमार लोगों की मदद के नाम पर लोगों से अवैध तरीके से पैसे हासिल कर रहा था। उस पर लोगों में भय पैदा करने का भी आरोप लगाया गया। उसे आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 के तहत 29 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, 19 मार्च 2021 को भी उसे एहतियातन हिरासत में लिया गया था। तो ये जो एनजीओ, इसका जो पैसा कहाँ से आया है, किसने इनको पैसा दिया है, कितना पैसा इन्होंने बांटा है और बाकी जो चीजें हैं उनकी डिटेल हमने ली है और उसमें जांच कर रहे हैं। इसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम और बाकी अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियां बांटने के विजुअल और उसके मीडिया पोस्ट को देखकर हरकत में आई पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस सलमान के हल्द्वानी आने और लोगों को रुपए बांटने के पीछे का मकसद जानना चाहती है। पूछताछ में सलमान ने पुलिस को बताया कि वह हवाई जहाज से उत्तराखंड पहुंचा है। पुलिस को उसकी बात बात पर शक हो रहा है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर वह फ्लाइट से उत्तराखंड आया तो हवाई जहाज में हैदराबाद से नोटों की इतनी गड्डियां अपने साथ कैसे लेकर आया। पुलिस को शक है कि पैसे उसे कहीं और से दिए गए हैं। पैसे देने वाले कौन लोग थे, पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है। पूछताछ के दौरान सलमान ने जो भी बयान दिए हैं, पुलिस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस को शक है कि सलमान झूठ बोल रहा है। फिलहाल पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।